हेलो टीचर्स, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल पर। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर हैं, एडुकेटर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है, बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। याद रखिए, एक भी पॉइंट छूटा ग्रोथ कवच टूटा। जहां ऑफलाइन क्लासेस में कुछ लोगों को ट्रेवल टाइम एंड टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्कूल या क्लासेस के अलावा भी उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि जॉब, फैमिली या कुछ और। वहीं ऑनलाइन क्लासेस में कुछ लोगों को लगता है कि उनका जो अपने टीचर या क्लासमेट से बॉन्ड था वो खत्म होता जा रहा है, या कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें इन पर्सन क्लासेस में ही ज़्यादा समझ में आता है। तो इसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन है हाइब्रिड लर्निंग। इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस होती हैं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिड लर्निंग मॉडल की और इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। जब हम किसी भी कोर्स या डिग्री को करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो सवाल आता है वो होता है बजट या फीस। और ऑनलाइन क्लासेस या डिग्री फिजिकल स्कूल या कॉलेज से कहीं सस्ता पड़ता है और साथ ही साथ सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है और एक्सपेंसिव बुक्स में पैसा खर्च नहीं होता। तो इसलिए हाइब्रिड लर्निंग मोड एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स या टीचर्स का इन पर्सन इंटरेक्शन कम हो जाता है, या ये कहिए कि ना के बराबर हो जाता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और साथ ही साथ एक दूसरे से डिस्कशन भी कम हो जाता है, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भी हमें हाइब्रिड लर्निंग मॉड्यूल कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। ये हाइब्रिड लर्निंग का एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि हर कोई रोज ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आ सकता, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हाइब्रिड मॉड्यूल में आप जहां हैं वहां से क्लास ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी अदर एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं। और एज पर स्केड्यूल वंस इन अ वीक इन पर्सन क्लास में जो चीज़ें ऑनलाइन क्लास में आपको क्लियर नहीं हुई हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ पेसिंग। ट्रेडिशनल क्लासेस में सेल्फ पेसिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट्स रोज क्लास अटेंड करते हैं और सबके साथ मैनेज करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। उन्हें जो भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो उन्हें सबके साथ ही करना पड़ता है। और हाइब्रिड क्लासेस में ये ऑप्शन होता है कि अपने फ्री टाइम में स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिकली टीचर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। हाइब्रिड लर्निंग स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट भी बढ़ा देता है क्योंकि उन्हें हर तरह से आसानी होती है। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस से वो अच्छे से पढ़ पाते हैं और जब फिजिकल क्लास होती है तो वो अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, दोस्तों और टीचर से मिल पाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी काम को करने में आपको टाइम बाउंडेशन नहीं होती तो आप उसे फ्रीडम के साथ एंजॉय करके करते हैं। बस यही फ्रीडम मिलती है हाइब्रिड लर्निंग मॉड्यूल से। उसके बाद आता है डीपर लर्निंग। ट्रेडिशनल कोर्सेज में बहुत डिटेल में पढ़ाई की जाती है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी वजह से स्टूडेंट्स ने एक या दो क्लासेस मिस कर दी, वो बीमार हो गया या कोई फैमिली फंक्शन हो गया या कोई भी रीज़न हो सकता है और वो ना आ पाए, तो वो कुछ ना कुछ कोर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हैं। बट हाइब्रिड मॉड्यूल में ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर किसी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें सारा का सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हाइब्रिड लर्निंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या फ़ायदे हैं। आप हाइब्रिड लर्निंग मॉड्यूल के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं ऐप की बात।
अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप भी क्लास प्लस से अपने ब्रांड की खुद की ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ।